नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं इंडी टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने व्हीकल के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने गूगल पे जाके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टाइप कर देना है, और उसके आगे आपने अपने स्टेट का नाम टाइप करना है। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब टाइप किया मैंने। अब ये टाइप करने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन नंबर प्लेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि आपके नंबर प्लेट दोनों डैमेज हैं या फ्रंट डैमेज है या बैक डैमेज है। मैं पूरी ओल्ड से न्यू में जा रहा हूँ, तो फुल ओल्ड टू न्यू पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर डालूँगा, RC पे जो भी मेंशन होगा वो डालने के बाद यहाँ पे हमने CH नंबर डालना है, जो कि आपके RC पे ही होंगे ये सारे नंबर। फिर उसके बाद इंजन नंबर डालना है, ओनर नेम में आप में ओनर नेम भर देना है, मोबाइल नंबर जो जो यहाँ पे लिखा हुआ सब आपने फिल कर देना है, जो भी आपके पास RC में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि अगर आप बाइक वगैरह यूज़ करते हैं पर्सनली तो नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में ट्रक वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद व्हीकल टाइप, जैसे कि मेरी मोटरसाइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल पे क्लिक करूँगा, एम साइकिल। स्मार्ट कार्ड और नॉन स्मार्ट कार्ड, अभी RC के बारे में पूछ रहा है कि आपकी RC कौन सी है, पेपर्स वाली है स्मार्ट कार्ड वाली। मेरी स्मार्ट कार्ड वाली है तो स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करता है। और दोस्तों, ये जो ऑनलाइन अप्लाई होता है स्मार्ट कार्ड वाली RC का ही होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट, जैसे कि मैं हूँ जहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके स्टेट में जो भी RTO ऑफिस होगा वो आपको शो करेगा, और जो भी आपके नज़दीक हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपने यहाँ पे आके पेमेंट कर देनी है। दोस्तों ये हो चुका है। अब आपने यहाँ पे नंबर प्लेट लगवाने की डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट पे आपने नंबर प्लेट लगवानी है। जैसे कि 31 के बाद की सारी डेट अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं लास्ट 31 मई की सिलेक्ट करता हूँ। 31 मई सेलेक्ट करने के बाद अभी शेड्यूल टाइमिंग पूछेगा कि भाई टाइमिंग आपको कब से कब तक आप अवेलेबल हो। तो जैसे मैं 9:30 से 11:30 के बीच की टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस टाइम हम फ्री होते हैं। उसके बाद पे पे क्लिक कर देना। पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का वो खुलेगा। यहाँ पे आपने पेमेंट के ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे हैं, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। मैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करूँगा। अब मैं QR कोड ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मेरा 181 रुपीज़ का पेमेंट है, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा। थोड़ी देर बाद जो बार कोड यहाँ पे शो हो रहा है साइड में, इस पे क्लिक करने के बाद ये बार कोड के ऊपर जो ब्लर आ रहा है ये हट जाएगा, बार कोड क्लीन हो जाएगा, फिर हम इस पर पेमेंट करेंगे। अभी मैं इस पर क्लिक किया, ये ब्लर हट चुका है। अब मैं इसको अपने गूगल पे से या फ़ोन पे से किसी से भी स्कैन करके इस पर पेमेंट कर सकता हूँ। और पेमेंट होने के बाद आपके सामने बस यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस आपने उसकी एक स्लिप आएगी, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ये स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। प्रिंट चलान, अभी चलान आ चुका है। इसके बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, चाहे तो आप इसका वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं दुकान वाले के पास जाकर, और ये RTO ऑफिस में दिखाना पड़ता है तब जाके नंबर प्लेट लगती है। पेमेंट क्योंकि हो चुकी है, आपके पास यही प्रूफ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।